आदरतिथ्य करते हैं उसमें वो व्यवहार में कौन से मूल्य देते हैं, देव देवता का पूजा विधि होगा उससे कौन सा मूल्य देते हैं, तो इस तरह के जो मानव जीवन के जो बिंदु है वहां पर वो कैसा कैसा व्यवहार करता है और वो व्यवहार को मानव को कौन से मूल्य देता है जीने के, ये देखना चाहिए। तो ये देखते हुए हम गीतों में देखेंगे तो आदिवासी में एक गीत है, शादी लड़की के सगाई करने के लिए आते हैं, सगाई करने के लिए आते हैं तो फिर वो लड़कियां घर में बैठ के गीत गाती हैं, बाहा का थोड़ो जे दे जे ले जी बेनी लेनी भाड़े नानी बाड़े, बाहा का थोड़ो जे दे जे ले जी बेनी लेनी भाड़े नानी बाड़े, हे बाहका, बाहका मजे बाप बाबा पिताजी, हे बाहका। आदिवासी में ऐसी परंपरा है कि जो गैर आदिवासी में लड़के को दहेज के रूप में लाखों रुपए देना पड़ता है, आदिवासी में लड़के के पिताजी को लड़की के पिताजी को दहेज में जो दहेज मूल्य होता है 5,000 2,000 3,000 6,000 तो वो लड़की को देना पड़ता है। फिर भी ये समाज को देखते हुए वो आदिवासी लड़कियां चिंता व्यक्त करते हैं अपनी बेटी के बारे में, और आदिवासी समाज में ऐसा परंपरा है शादी हो जाने के बाद अगर वो शादी टूट गई बीच में तो जितने पैसे लिए थे उतने वापस देना पड़ता है, इसलिए वो लड़कियां गीत गाती है, बाहा का थोड़ो जे दे जे ले जी बेनी लेनी भाड़े नानी बाड़े, हे बहका ये शादी में अपनी लड़की के थोड़े पैसे लेना, ये निभाता या निभाता ना इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हे बहका थोड़े पैसे ले, इन्हें क्या वो देख रहा है ये पैसे के जो हुंडा या दहेज के इस पर लाखों रुपए देता है, और वो अगर गरीब बाप नहीं दे सकता है तो बेटी कहती है बाप पिताजी पैसे, हाँ बेटा दूंगा पिताजी पैसे, हाँ बेटा दूंगा, अगर नहीं दे सकता वो गरीब बाप की बेटी हैरान हो जाती, लास्ट में आखिर में विष जहर पी के मर जाती, उसके सामने आत्महत्या करने के सिवाय दूसरी कोई मार्ग नहीं रहता है, वैसे आदिवासी में आत्महत्या करने की परंपरा नहीं है। और वो दुख व्यक्त करती है, ये दुख व्यक्त ऐसी करती है अगर नहीं दिया गया तो हम बाहर का थोड़ो जे दे जे ले जीरा बेनी लेनी बार, अगर पैसे नहीं दिए गया तो ये नौबत हमारी बेटी पर ना आए, इस तरह से ये गीत गाते हैं। तो आदिवासी परंपरा में आत्महत्या करने की ये नहीं है, लेकिन जान को बचा है। तो ये जीवन प्रणाली जानलेवी नहीं जीवनदायी है आदिवासी में, इसको इस तरह से समझ लेना चाहिए। दूसरे आदिवासी में गीत गाते हैं, ये जब हल्दी लगाते तब ऐसे गीत गाते हैं, जोड़ूला जोड़ू वेरी ते उबीरे जी माँ बेना, ऊंचो नीचो वेरी ते फेंकी दे जी माँ बेना। आदिवासी में थोपा नहीं जाती शादी, अगर उसकी पसंद हो ये दूल्हा मुझे पसंद है तो उसके साथ शादी होती है, ऐसा उसके बगैर उसके मन के विरुद्ध में शादी नहीं होती है। इसलिए वो लड़की क्या गीत गाते हैं, जोड़ूला जोड़ू वेरी ते उभिरे जी माँ बेना, यानी क्या जोड़ूला जोड़ू वेरी ते उभिरे जी माँ बेना, तो हे बेना हे बहना ये तुम्हारा जो दूल्हा बना वो समान लेवल पर होगा तभी शादी को तैयार हो, तभी शादी के लिए खड़ी हो, उसके साथ तो खड़ी हो, अगर विषमता हो वही यानी उम्र में
उम्र में विषमता हो। अभी हमको सुधारने वाले, संस्कृति की बात करने वाले, हमको आदिवासी सुधरो कहने वाले में बूढ़ों के साथ युवा की लड़की के साथ शादी कर देते हैं, अनुभव हमको संस्कृति सिखाते हैं। गलत है इनका, हमारी तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो गलत है। अरे सीखना हो तो आदिवासी से सीखो, जीवन क्या होता है इस तरह से ये करना चाहिए। तो इस तरह से तो जोड़ूला जोड़ू वेरिते उबिरे माँ बेना ऊंचो नीचो वेरिते फेंक दे, ऐसा ऊंचा नीचा हो तो उसको फेंक दे फेंक दे, ऐसा करके वो गीतों में से ये कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन के गीतों का जो सूत्र है समानता, सब समानता ये सूत्र है जीवन के गीतों में भी। तो ऐसे बहुत ऐसी सारी गीते हैं जिसमें समानता है। अरे जो जीवन प्राप्त करना चाहिए वो जीवन कहाँ है? यह सरकार है, यह पक्ष है, यह सत्ताधारी है, यह कौन सा जीवन प्राप्त करने के लिए सत्ता हाथ में लेना चाहते हैं? जहां विषमता है, जहां शोषण है, जहां दमन है, वो जीवन को ये कैसे नष्ट करने वाले हैं? वो जीवन तो आदिवासी के, जैसे पहले प्रवक्ता ने बताया कि आदिवासी में शोषण नहीं था। आदिम युग में जब समूह जीवन जी रहा था आदिवासी, समूह जीवन कि अगर शिकार जाना हो तो वो समूह में जाता था, फल गोला करना है, फल कुछ अन्न ये करना था तो समूह में जाता था, या एकादा हिंसक प्राणी से मुकाबला करना है तो समूह में वो जाता था। तो समूह में उसका एक हमला किया एकादा हिंसक प्राणी ने तो उसका मुकाबला समूह में करता है, समूह के सिवाय उसको जीवन नहीं था। हम बोलते हैं कि हम ये पृथ्वी के पहले मानव है आदिवासी, आदि से रहने वाला वो आदिवासी, ऐसे हम कहते हैं। लेकिन ये जीवन जो जी रहे हैं, पहला आदिवासी की स्थिति ऐसी कैसी? इतनी भारी, पहला मानव इतनी भारी समस्या से घिरा गया है, वो झुंझ रहा है, वो खत्म भी हो रहा है। अभी असुर बहन ने कहा कि हमारी क्या स्थिति है, दुख होता तो दुख करने का कोई समझ नहीं है, तो वो दुख दूर करने के लिए हमें ही अपने दुख के प्रति हमें ही खड़ा होना चाहिए, हमें खड़ा होना चाहिए। हम जब दूसरे को गाली देने का कोई मजा नहीं। ये जो धर्म वाले आए हमारे बीच में, धर्म वाले आए, आओ हमारे धर्म में तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारी समस्या सुलझाएंगे, तुम्हारा विकास करेंगे, आओ आओ। हमको लगा अरे जैसे हम प्रामाणिक है, जैसे हम ईमानदार है, वैसे ये भी हो गए, चलो उनके धर्म में चले गए। कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया। इनके बाद में पक्ष वाले आए, वो भी वैसे कहा हमारे पक्ष में आओ, हम तुम्हारे समस्या सुन गएंगे, तुम्हारा विकास करेंगे, तुम्हारा कल्याण। हम उन पर भी विश्वास किया, हम कांग्रेस में गए, भाजपा में गए, हम कम्युनिस्ट में गए, पीछे मुड़ के देखते तो हमारी स्थिति वैसी की वैसी। अरे ये तो कल्याण करने वाले थे, हमारे परिश्रम सुना, कल्याण तो नहीं किया, पक्ष के नाम से धर्म के नाम से हमको फोड़ दिया, तोड़ दिया। गुजरात में डांग जिले में धर्म के नाम से आदिवासी झुंझ लड़ाई हो गई, भाई भाई दुश्मन बन गए, भाई ने पत्थर पहरा, खूनम खून किया, वो दुश्मन बन गए भाई भाई, उसके एक दूसरे के मौत पर नहीं जाते, शादी में नहीं जाते, थाना जिले में पक्ष के नाम से वो अलग अलग हो गए। अरे तुम आदिवासी को एक नहीं कर सके,
तुम क्या कल्याण करोगे, ऐसा हमारा सवाल है उनसे। क्या कल्याण करोगे? तो इस तरह से आदिवासी को मेरा ऐसा कहना है, उनको कोई भी धर्म कोई भी पक्ष आदिवासी को अपनी समस्या के लिए खुद के पैर पर खड़ा करे ऐसा कोई भी प्रयत्न नहीं किया है कि मैं मेरी इस तरह से नहीं खड़ा किया कि मेरे समस्या के लिए मैं खड़ा होकर मैं उससे लड़ूं, इस तरह से कोई भी प्रयत्न नहीं किया। उनके आदिवासी के बीच में अवलंबित्व की भावना जगाई है, अवलंबित्व कि यह आदिवासी को अपना दौर में बांध कर गुलाम करके हम कहे वैसा काम करना चाहिए, तो हमारा पार्टी का हमारा धर्म का काम करना चाहिए, इस तरह से उसका उपयोग अभी तक किया है। इसलिए आने वाले साहित्यिकों ने हम इनका ध्यान रखते हुए हम कैसा साहित्य का केंद्र बिंदु क्या होगा ये देखना चाहिए। हम आज साहित्य देखते हैं तो साहित्य के जो प्रतिबिंब है वो हमको कैसा नजर आता है, इनका प्रभाव धर्म का प्रभाव उनकी मानसिकता में है, पक्ष का प्रभाव पक्ष संस्कृति का प्रभाव हमारी मानसिकता में है, और वो मानसिकता उनका साहित्य में नजर आती है। तो हम आदिवासी को एक इंसान समझना चाहिए, हम एक इंसान है जो पहले से रहते आए हैं, प्रेम विश्वास की जिंदगी हम जीते आ रहे हैं, वो जिंदगी के लिए हमारा साहित्य क्या होना चाहिए इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र में साहित्यिक आदिवासी साहित्यिक अपना साहित्य लिख रहे हैं। भुजंग मेश्राम हम खुद लिख रहे हैं, उषा किरण आत्राम, कृष्ण कुमार चांदेकर इन्होंने अपनी कविता में अपना दर्द अपनी आवाज ये लिख रहे हैं। हम अपनी कविता में लिख रहे हैं, हम केस पर गए ही नहीं और हमें बुलाया भी नहीं, हमारी जगह हमें दिखा दी, हम वहीं बैठे, हम केस पर गए ही नहीं और हमें बुलाया भी नहीं, हमारी जगह हमें दिखा दी, हम वहीं बैठे हमें शाबाशी मिली, हम वहीं बैठे हमें शाबाशी मिली और वे केस पर खड़े होकर हमारा दर्द हमें ही बताते रहे, और वे केस पर खड़े रहकर हमारा दर्द हमें ही बताता रहे, हमारा दर्द हमारा ही रहा उनका हो नहीं सका, हमारा दर्द हमारा ही रहा उनका हो ही नहीं सका। और इस तरह का कविता आ रही है। दूसरी चांदेकर ऐसा बोल रहे हैं अपनी कविता में, मराठी में है, उसका अर्थ मैं कहूंगा। चांदेकर लिख रहे हैं, नंगे होके जंगल जंगल घुमा, नंगे होके जंगल जंगल घुमा, कैमरे हमारे पीछे लगे रहे, नंगे होकर जंगल जंगल घुमा तो कैमरे हमारे पीछे लगे रहे, अस्मिते का क्या बंड को क्या कहते हैं, अस्मिते का विद्रोह किया तो बंदूक हमारे पीछे लगी है। इस तरह से साहित्य ले रहा भुजंग मेश्राम कहते हैं, भुजंग मेश्राम अपने कविता में कहते हैं कि हे बिरसा तू कहीं से भी आ रहे, हे बिरसा तू कहीं से भी आ रहे, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर कहीं से भी आ, निन्ने वाले महिलाओं की दराती से आए या कामगारों के भट्टी से आए और गैलरी से आए, तो कहीं से भी बिरसा ये लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। इस तरह से बिरसा की प्रेरणा वो अपने हाथ लेकर अपनी जिंदगी जीना चाहता है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में आदिवासी साहित्य अपना साहित्य
लेवल लिख रहा है। तो इस तरह से हम अपने जिंदगी को अपने साहित्य से उजागर करना चाहिए। साहित्य के बारे में किसी ने हमको ये नहीं समझना चाहिए, साहित्य एक जीवन प्रणाली, एक बताए साहित्य एक समाज का दर्शन है, वहाँ पर अपना ये करते हैं, तो ये दर्शन कैसा है? और अभी ऐसी परिस्थिति में हमको लोग कह रहे हैं मुख्य प्रवाह में आओ। अरे क्या है ये मुख्य प्रवाह, किसने बनाया है ये, कौन सी दिशा देना चाहते? हमको आदिवासी को मुख्य प्रवाह बोलाते, दूसरे को नहीं। क्या मतलब है आदिवासी को मुख्य प्रवाह लाते हैं, ये क्यों बुला रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। और हम नहीं जाते, हम क्यों नहीं जाते, ये भी समझ लेना चाहिए। ये मुख्य प्रवाह में लाने की ये चाल है, साजिश है, ये साजिश है उनकी, ये हम समझ लेना चाहिए। अरे मुख्य प्रवाह में लाने का मतलब ये शोषण दमन शोषण ये व्यवस्था में हमको समाज लेना, और जाति के निचले स्तर पर जो विषमता युक्त है ये निचले स्तर पर रखना, ऐसा है। और अगर ठीक है हम माना मुख्य प्रवाह में हम आएंगे, तो हमारे सवाल है तुमसे, हम आना चाहते हैं मुख्य प्रवाह में, तो क्या मुख्य प्रवाह में आने के बाद में ये शोषण ये दमन ये वर्चस्व सब मिट जाएगा? दूसरा सवाल है हमारा कि जर हम मुख्य प्रवाह में आए तो क्या हमको किसी भी धर्म के किसी के जाति के लोगों के साथ रोटी बेटी व्यवहार करता आएगा? और तीसरा प्रश्न ऐसा है, आदिवासी क्या और भी सब लोग, हम सब लोग स्त्री पुरुष प्रधान होने के नाते से जो स्त्री का शोषण होता है, जो महिला का शोषण होता है, वो शोषण को रोक सकते हैं? अगर ऐसा हो तो हम आज को हम वो प्रवाह में आने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं ऐसा होगा तो मुख्य प्रवाह की बात मत करो आदिवासी के साथ। तो इस तरह से ये जो आने वाले साहित्यिक को मेरा कहना है कि ये बहुत अलग अलग तरीके से हमें एक नजरिया देखने की कोशिश चल रही है, आदिवासी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं हो रही है, सिर्फ समझाने की कोशिश हो रही, लेकिन आदिवासी इसको समझने की कोशिश नहीं हो रही। हमारे एक जुलूस निकाला तो हमारा आदिवासी को बोला कि PSI बोल रहा था, अरे तेरे को भाषा बोलती नहीं आती, बोले क्या है ऐसा, हम वो कहा हमको कैसी भाषा ना, हम तो बोल रहे नहीं समझते तुम्हारी भाषा, हमको नहीं समझती तुम्हारा, अरे हमारी भाषा तुमको नहीं समझती, अरे हमारी भाषा हमारे गाय बैल समझ लेते, हाँ हमारे गाय बैल समझ लेते, हमारी भाषा हमारे गाय बैल समझ लेते हैं, हमारी बिल्लियां समझ लेती है, हमारे कुत्ते भी समझ लेते हैं, तुम नहीं समझ सकते। तो इस तरह से हमको नीचा दिखाने का बहुत कोशिश हो रहा है। तो यहाँ पर अपना पेपर रखने के लिए मैंने एक बड़ा सा ऐसा लेख लिख के लाया था, वो तो पूरा नहीं होगा, लेकिन जितना भी है मैं संयोजक के पास में देखे जाऊंगा, किसी को अगर इसमें रुचि होगी तो वो उनसे बाद में जेरोक्स करके या फिर टाइप करके वो ले लेंगे, हमें यहाँ संधि या वक्त उपलब्ध कर दिया, इसलिए मैं आभार मानता हूँ अपने दूर शब्द।
दोस्तों खाने का समय लगातार लेट हो रहा है। एक सूचना है कि आप सभी के पेपर हमारे पास में हैं और हम जल्द उसको अच्छे प्रकाशक से छपवाएंगे। कई प्रकाशकों के ऑफर आए हैं, हमारे पास लगभग 80 पेपर इस वक्त हैं। तो इसलिए वक्ताओं से निवेदन है कि वो बात बहुत संक्षेप में रखें अपनी, उनके पेपर अगर उनकी बात में दिलचस्पी लोगों की है तो निश्चित तौर पर उनका लेख या पेपर जो हमारे पास है वो पढ़ेंगे लोग। कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें ताकि थोड़ी व्यवस्था बनी रहे। धन्यवाद। साहित्य ली रहा भुजंग मेश्राम कहते हैं, भुजंग मेश्राम अपने कविता में कहते हैं कि हे बिरसा तू कहीं से भी आ रहे, हे बिरसा तू कहीं से भी आ रहे, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर कहीं से भी आ, निन्ने वाले महिलाओं की दराती से आए या कामगारों के भट्टी से आए और गैलरी से आए, तो कहीं से भी आ बिरसा, ये लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। इस तरह से बिरसा की प्रेरणा वो अपने हाथ लेकर अपनी जिंदगी जीना चाहता है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में आदिवासी साहित्यिक अपना साहित्य लेवल लिख रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने जिंदगी को अपने साहित्य से उजागर करना चाहिए। साहित्य के बारे में किसी ने हमको ये नहीं समझना चाहिए, साहित्य एक जीवन प्रणाली, एक बताए साहित्य एक समाज का दर्शन है, वहाँ पर अपना ये करते हैं, तो ये दर्शन कैसा है? और अभी ऐसी परिस्थिति में हमको लोग कह रहे हैं मुख्य प्रवाह में आओ। अरे क्या है ये मुख्य प्रवाह, किसने बनाया है ये, कौन सी दिशा देना चाहते? हमको आदिवासी को मुख्य प्रवाह बोलाते, दूसरे को नहीं। क्या मतलब है आदिवासी को मुख्य प्रवाह लाते हैं, ये क्यों बुला रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। और हम नहीं जाते, हम क्यों नहीं जाते, ये भी समझ लेना चाहिए। ये मुख्य प्रवाह में लाने की ये चाल है, साजिश है, ये साजिश है उनकी, ये हम समझ लेना चाहिए। अरे मुख्य प्रवाह में लाने का मतलब ये शोषण दमन शोषण ये व्यवस्था में हमको समाज लेना, और जाति के निचले स्तर पर जो विषमता युक्त है ये निचले स्तर पर रखना, ऐसा है। और अगर ठीक है हम माना मुख्य प्रवाह में हम आएंगे, तो हमारे सवाल है तुमसे, हम आना चाहते हैं मुख्य प्रवाह में, तो क्या मुख्य प्रवाह में आने के बाद में ये शोषण ये दमन ये वर्चस्व सब मिट जाएगा? दूसरा सवाल है हमारा कि जर हम मुख्य प्रवाह में आए तो क्या हमको किसी भी धर्म के किसी के जाति के लोगों के साथ रोटी बेटी व्यवहार करता आएगा? और तीसरा प्रश्न ऐसा है, आदिवासी क्या और भी सब लोग, हम सब लोग स्त्री पुरुष प्रधान होने के नाते से, पुरुष प्रधान होने के नाते से जो स्त्री का शोषण होता है, जो महिला का शोषण होता है, वो शोषण को रोक सकते हैं? अगर ऐसा हो तो हम आज को हम वो प्रवाह में आने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं ऐसा होगा तो मुख्य प्रवाह की बात मत करो आदिवासी के साथ। तो इस तरह से ये जो आने वाले साहित्यिक को मेरा कहना है कि ये बहुत अलग अलग तरीके से हमें एक नजरिया देखने की कोशिश चल रही है, आदिवासी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं हो रही है, सिर्फ समझाने की कोशिश हो, लेकिन आदिवासी को समझने की कोशिश नहीं हो रही। हमारे एक जुलूस निकाला तो हमारा आदिवासी को बोला कि पीएसआई बोल रहा था
अरे तेरे को भाषा बोलती नहीं आती, बोली क्या है ऐसा? हम वो कहा हमको कैसी भाषा, हम तो बोल रहे नहीं समझते तुम्हारी भाषा हमको नहीं समझती तुम्हारा। अरे हमारी भाषा तुमको नहीं समझती? अरे हमारी भाषा हमारे गाय बैल समझ लेते हैं, हमारे गाय बैल समझ लेते, हमारी भाषा हमारे गाय बैल समझ लेते हैं, हमारी बिल्लियां समझ लेती है, हमारे कुत्ते भी समझ लेते हैं, तुम नहीं समझ सकते। तो इस तरह से हमको नीचा दिखाने का बहुत कोशिश हो रहा है। तो यहाँ पर अपना पेपर रखने के लिए मैंने एक बड़ा सा ऐसा लेख लिख के लाया था, वो तो पूरा नहीं होगा लेकिन जितना भी है मैं संयोजक के पास में देके जाऊंगा, किसी को अगर इसमें रुचि होगी तो वो उनसे बाद में जेरोक्स करके या फिर टाइप करके वो ले लेंगे, हमें यहाँ संधि या वक्त उपलब्ध कर दिया, इसलिए मैं आभार मानता हूँ अपने दूर शब्द। दोस्तों खाने का समय लगातार लेट हो रहा है, एक सूचना है कि आप सभी के पेपर हमारे पास में हैं और हम जल्द उसको अच्छे प्रकाशक से छपवाएंगे। कई प्रकाशकों के ऑफर आए हैं, हमारे पास लगभग 80 पेपर इस वक्त हैं, तो इसलिए वक्ताओं से निवेदन है कि वो बात बहुत संक्षेप में रखें अपनी, उनके पेपर अगर उनकी बात में दिलचस्पी लोगों की है तो निश्चित तौर पर उनका लेख या पेपर जो हमारे पास है वो पढ़ेंगे लोग, कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें ताकि थोड़ी व्यवस्था बनी रहे। धन्यवाद। है और हमारे साथ खाना भी है, लोग उठ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं लोग। हाँ उबना तो नहीं कहेंगे लेकिन जाहिर है कि भूख लग रही होगी तो लोग कुछ लोग जाएंगे, उनको चले जाना चाहिए जो पेट से कमजोर लोग हैं। हाँ हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर सकेंगे अगर आप 5 साथी भी हो। अगर आप ध्यान देंगे कि जो आप इस सेशन में जो पहले वक्ता से लेके आप हमारे वरिष्ठ साथी बहुत अच्छे कवि वारू सोनोने जी को आप तक ने सुना है, आप सारे वक्ताओं को आपने सुना, अभी तक जो 5-7 वक्ता हैं मैं गौर कर रहा हूँ कि रिएक्शंस कहाँ ज़्यादा आ रहे हैं। ये ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ वो आपकी भाषा के तल पे पहुँचते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, सोचिएगा इस पे, ये एक पहलू है। बहरहाल अभी जो शुरुआत में भाई अनुज ने जो बात उठाया और जहाँ से हम लोग चलना शुरू किए हैं और जहाँ अभी हमारे साथी वारू सोनवणे जी पहुँचे हैं, वो मुझे अफ्रीकन लिटरेचर की उस डिबेट की याद दिलाता है जहाँ एक तरफ नुगुगी व थ्योंगो खड़े हैं और एक तरफ चिनुआ अचीबी खड़े हैं। चिनुआ अचीबी भी अपने समाज की बात करते हैं और नुगुगी व थ्योंगो भी अपने समाज की बात करते हैं। नुगुगी व थ्योंगो कहते हैं कि मुक्ति मातृभाषा में ही संभव है, चिनुआ अचीबी इससे इनकार करते हैं। अब इस आप इस पूरे वक्ताओं में भी ये चीज़ मुझे कम से कम सुनाई पड़ रही है, ध्वनि सुनाई पड़ रही है कि जहाँ एक तरफ एक पूरे दर्शन का नकार है, दूसरी तरफ उसी दर्शन के अनुरूप उसको जवाब देने का एक आग्रह है। आइए हम इस पे हम लोग अभी काशराय कुदादा जो युवा हैं वो समाज से आते हैं और इन्होंने वारंगचिती लिपि में एक अखबार निकाला, उसे चलाया, अपना पूरा कैरियर अपने समुदाय और भाषा संस्कृति के लिए दिया, कोल्हान सकम शायद मैं याद करता हूँ वो अखबार का नाम है। ये आप ना समझिएगा कि आदिवासी लिख नहीं रहा है, वो चाहे अलिखित जमाना हो चाहे लिखित जमाना हो, आप जैसा कि वारू सोनवणे जी ने कहा कि हमारी भाषा तो जानवर तक समझते हैं, अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो ये दिक्कत तुम्हारी है। तो
काशराय कुदादा जी को हम लोग सुनते हैं। आप आए हैं कोल्हान से और युवा रचनाकार हैं और पूरा वक्त सिर्फ और सिर्फ भाषा साहित्य संस्कृति समुदाय के हित के लिए देते हैं। और यहाँ जो लोग भी बैठे हैं वो ये ना समझे कि वो सिर्फ साहित्य रचते हैं, वो सीधे सीधे जल जंगल जमीन की बात करते हैं। काशराय कुदादा जी धन्यवाद।